दर्जनों की संख्या में पहुंचे ट्रांसपोर्ट एसपी कार्यालय की दिया शिकायती पत्र। मैनपुरी विधानसभा किचनी क्षेत्र के दर्जनों की संख्या में ट्रांसपोर्टरों ने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को शिकायती पत्र देते हुए कहा है कि किचनी मैनपुरी मार्ग पर लगभग हम सब की 50 बसें चलती हैं, जिसकी फिटनेस परमिट आदि कंप्लीट है, फिर भी कल 19 मई 2022 को 4 गाड़ियों को चालान टीआई द्वारा जांच 5000 रुपए कर दिया गया, जबकि शासन का आदेश है कि सिर्फ और सिर्फ विदाउट परमिट की गाड़ियों का चालान किया जाएगा, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक मैनपुरी की को शिकायत पत्र सौंपा और न्याय की मांग करते हुए कहा है कि जब गाड़ियों की जरूरत पेपर कंप्लीट है तो फिर गाड़ियों के चालान क्यों काटे जा रहे हैं। अच्छा, एसपी कार्यालय आयो, क्या शिकायत लेके आयो? ये गाड़ी के बारे में क्या शिकायत है, क्या मामला है? हमारी गाड़ी बंद कर रहे हैं बार बार, 4 गाड़ी कल चालान करे और जो कही है कही अड्डा खाली कर दी। पूरी बात बताओ ना, कहते थे हमारी गाड़ी। क्या नाम है दादा आपका? हमारा राधेश्याम बेस्कर। अच्छा, आज एसपी कार्यालय आयो, क्या मामला है, क्या शिकायत लेके? मामला ये साहब, हम पर डे 40 गाड़ियां अप डाउन मैनपुरी किचनी करते हैं और हमारा अड्डा परमानेंट 20 साल से स्थायी लिखित में नहीं, स्थायी है, और कल अनावश्यक 4 गाड़ियों का चालान कर दिया गया है। और कितने कितने रुपए का चालान हुआ है? 5000 का चालान कर दिए। तो क्या लगता है, वो गाड़ियां अवैध तरीके से आप चला रहे हैं क्या? परमिट पे चढ़ी हुई है, परमिट होल्डर हैं हम लोग सब, अवैध कोई गाड़ी नहीं चल रही और ना ही कोई डंका नंबर लगा, जैसे ही निकली वैसे ही पकड़े ले गए। समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है? समस्या ये सर, हमारी 4 गाड़ियां कल इन्होंने परमिट होल्डरों को चालान कर दिया, जबकि हम लोग आज 40 साल से इस गाड़ी पर 38 किलोमीटर टुकड़े पर कम से कम 60 गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं और कम से कम 5 लाख रुपया पर मंथ जो है हम इसका जमा कर रहे हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सर, हमारी कल गाड़ियां जो है इन्होंने 4 गाड़ी को चालान कर दिया और वो बाकी ये आदेश मतलब जारी किया कि 24 घंटे के अंदर आपने गाड़ियाँ नहीं हटाई तो गाड़ियाँ अंदर पूरी सीज कर दूंगा। किसने चालान किया है? ये सर टीआई ने चालान किया। तो आप आज किस मिलने आए हैं? आज हमने एसपी साहब से, कप्तान साहब से मिलने आए हैं। क्या लिखित परमिशन है उस जगह की आपके पास? उस जगह की लिखित परमिशन नहीं है, लेकिन हमारा लिखित अड्डा जो है 40 साल 20 साल से वहीं पर आए जी लगातार, और हमारी गाड़ियाँ अंदर खड़ी होती हैं अड्डे के अंदर, और अड्डे के अंदर से ही गाड़ी बाहर निकलती है, कोई गाड़ी बोर्ड रोड पर खड़ी नहीं होती। अच्छा, कितनी गाड़ियों के चालान हो चुके हैं अभी? 4 गाड़ी का कल किया गया। प्राइवेट बस वाले यहाँ आए हैं, इन लोगों का चालान भी कटा है, क्या लगता है मुख्यमंत्री ने 48 घंटों में बसों के सील करने को हटवाने के आदेश दिए? नहीं, बात यह कि बसें का प्रोडक्शन हो रहा है, बसें आरटीओ ऑफिस के यहाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं, बस मालिक टैक्स दे रहे हैं। आखिर जो बस मालिक हैं, इन्होंने अपना इतना इन्वेस्ट किया है, कहाँ पर ले जाएंगे? पहली चीज़, रोडवेज की जो बसें हैं वो चिन्हित ही मार्गों पर चल रही हैं, जो अन्य मार्ग हैं जहाँ रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं, कम से कम सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेषकर, कि अगर प्राइवेट बसों को ट्रेवलिंग के लिए मना करते हैं, उससे पहले कम से कम उस रूट पर जो चलने वाली आम जनता है, कम से कम वो जनता किस साधन और संसाधन से अपना काम चलाएगी? हर किसी के पास न तो मोटरसाइकिल है, हर किसी के पास न तो 4-व्हीलर है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है, केवल बेचारे इसी बस और प्राइवेट माध्यम से अपने स्थान तक पहुंचते हैं। तो कम से कम ये जो प्राइवेट बस वाले भी हैं, कोई डकैती तो डाल नहीं रहे हैं, आपकी रोड पर चलते हैं तो आपको टैक्स देते हैं, आपकी अप्रूव्ड कंपनियाँ उनसे बस खरीदते हैं, तो कम से कम इनका भी ये संज्ञान रखना चाहिए कि कम से कम ये जो जब टैक्स देते हैं तो कम से कम इनका भी अपना अधिकार, हाँ वो चीज़ अलग है यदि कोई टैक्स नहीं देता है, टैक्स चोरी करता है, कोई बात है तो उस पर कार्रवाई करो, ओवरलोडिंग करते हैं कार्रवाई करो, हम भी सहमत हैं इस बात से, लेकिन एकदम किसी को रोक देना बगैर व्यवस्था ये किए कि वहाँ का